नमस्कार दोस्तों, मैं राम शर्मा वेज पॉइंट में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में मैंने साधारण ब्याज के कई टाइप्स, कई भाग आपको दिए थे और मुझे आशा है कि वो आपको बेहद पसंद आए होंगे। दोस्तों, आज मैं अगले टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। और दोस्तों, मैं आज आपको सिर्फ बेसिक बताने वाला हूं कि वास्तविकता में चक्रवृद्धि जो ब्याज होती है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या डिफरेंस होता है, वो साधारण ब्याज कहीं ना कहीं चक्रवृद्धि ब्याज से कम कैसे होता है, क्यों होता है। तो ऐसे ही सवालों के साथ मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं। देखिएगा दोस्तों, उससे पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिएगा तुमसे बोला जाए, ये परसेंटेज में ये चीजें पूछी जाती हैं और आपको याद भी होंगी। जैसे मान लीजिएगा 5% का मतलब होता है 20, ये लिखा हुआ है 5% का मतलब होता है 100, 1/100, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/20, ठीक है। अब जैसे मान लीजिएगा ये लिखा हुआ है 4% को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 4/100, मींस क्या लिख सकता हूं 1/25। अब मान लीजिएगा यही 10% की अगर मैं बात करूं तो 10% का मतलब ये होता है, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आगे क्वेश्चनों में आपको डायरेक्ट रखनी है। जैसे आपसे पूछा जाए 4% का मतलब होता है 1/25, ऐसे ही जैसे मान लीजिएगा तुमसे दिया हुआ है 11/1/9%, तो इसका मतलब हो गया क्या हो गया, देखो 11, 9, 99 और 100, 100 बटे कितना हो गया 900, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों 1/9। जैसे मान लीजिएगा ये लिखा हुआ है 12.5%, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा 1/8। जैसे मान लीजिएगा लिखा हुआ है 14/2/7% को मैं लिख दूंगा 1/7। जैसे मान लीजिएगा लिखा हुआ है 16/2/3, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 1/6, और लिखा हुआ है 3/3, 1/3%, और इसको मैं लिख दूंगा 1/3। ये मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आप चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चनों को आसानी से कर सको। ये वैल्यू हमें ध्यान रखनी है, याद रखनी है, ताकि आप क्वेश्चनों को आसानी से कर सकें। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं वास्तविकता में चक्रवृद्धि जो ब्याज है वो होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। जैसे मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है मैंने माना, और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, क्या अंतर है इन दोनों में, आइए उदाहरण से, एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। मान लीजिएगा जो प्रिंसिपल दे रखा था वो दे रखा था 100 रुपए, कितने रुपए दे रखा था 100 रुपए। जो दर दे रखी थी दोस्तों वो कितनी दे रखी थी 10%। जो टाइम दे रखा था वो दे रखा था 2 साल, और तुमसे पूछ रहा था CI ज्ञात करो या SI, मतलब दोनों ज्ञात करने हैं। आइएगा हम देखते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है, चक्रवृद्धि ब्याज को बहुत से स्टूडेंट्स या तो फॉर्मूला बेस करते हैं, फॉर्मूला से करते हैं, या एक ट्री मेथड होता है उससे करते हैं, ब्याज पर ब्याज फिर ब्याज पर ब्याज। लेकिन दोस्तों, मैं आपको उससे भी शानदार तरीका बताने वाला हूं, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो देखिएगा दोस्तों, हमने देखा 2 साल के लिए पूछा गया है साधारण ब्याज, तो होता क्या था, होता ये है कि प्रत्येक वर्ष के लिए जो दर है वो बराबर बराबर होती है। जैसे मान लो 10% 1 साल के लिए, 2 साल के लिए कितना हो गया 20%, तो 100 का 20% में यहाँ निकालूंगा, ऐसे कर लीजिएगा, ये लिखा हुआ है SI, 100 का कितना निकाला मैंने 20%, और 100 का 20% कितना होता है दोस्तों 20। अब आपसे पूछ रहा है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, होता क्या है, एक ऐसा ब्याज जो हमेशा ब्याज पर ब्याज लिया जाता हो या गिना जाता हो। इसका मतलब ये हुआ
कि हमेशा जैसे मैंने आपको बोला एक कोई मूलधन था पहले साल में कुछ ब्याज आया वो इस मूलधन में जुड़ गया अगले साल के लिए अब वो ब्याज और मूलधन जो आया था वो दूसरे साल के लिए क्या बन गया मूलधन फिर ब्याज आया होगा फिर उसमें जुड़ गया फिर वो मूलधन बन गया मतलब ब्याज पर ब्याज। अब देखिएगा सीआई होता क्या है जैसे मान लो 100 रुपए थे पहले साल में क्या होगा 10% और 100 का 10% कितना होता है दोस्तों 10 रुपए मतलब पहले साल में इसको कितने रुपए मिले होंगे 10 रुपए और हमेशा ध्यान रखना एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों आपस में बराबर होते हैं क्यों माल 1% 10% एक वर्ष में 10% है तो 100 का 10% भी कितना होता है 10। बात अब यहां से शुरू होती है देखो भैया 10 रुपए किसके मिल गए ब्याज के रूप में मिल गए पहले रुपए कितने थे 100 10 जब ब्याज के रूप में मिल गए होंगे तो दूसरे साल के लिए मूलधन कितना हो गया 110। अब इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा 10% क्योंकि ये तो फर्स्ट ईयर की बात थी अब हम निकालेंगे सेकेंड ईयर की बात। देखना भैया दोस्तों यहां से मैंने काट दिया तो यहां से कितना आ गया 11 रुपए ब्याज कितने रुपए ब्याज 11 है अब देखना कितना हो गया मूलधन 110 और 11 रुपए ब्याज मिल गया तो कितना हो गया 121। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ब्याज मिला था एक 20 रुपए मिला था तो धन कितना हो गया था 120। यहाँ पर ब्याज टोटल देखना कितना मिला है 10 और 11 कितना रुपए मिला है 21 और यहाँ पर टोटल ब्याज कितना मिला है 20। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो हमेशा साधारण ब्याज की दर से हमेशा उतने ही टाइम के लिए ज्यादा होती है बशर्ते एक साल के लिए दोनों बराबर होती हैं। आइएगा हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर करते हुए आगे क्वेश्चनों को हम सीखते हैं कि कैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। इससे पहले हमें जान लिया है कि 50% का मान 1/2 16 सही 2/3 का मान कितना होता है 8 सही 1/2 का मान 12 सही 1/2 का मान 11 सही 1/9 का मान इन मानों को लेकर हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिएगा क्वेश्चन दे रखा है किसी धन ये दे रखा है किसी धन का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो मिश्र धन है क्या है मिश्र धन कितना दे रखा है मान लिए 4410 रुपए है 2 वर्ष का मिश्र 4410 रुपए है। या तो तुमसे धन पूछेगा और या तुमसे सीआई पूछेगा दोनों चीज पूछेगा। देखना दोस्तों हम इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से करते हैं। देखो यहां दिया हुआ है 20% यहां कितना दिया हुआ है 5% और 5% का मतलब क्या होता है दोस्तों 5/100 का मतलब क्या हो गया 1/20। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों इन क्वेश्चनों को करते समय ये होता है मूलधन और ऊपर वाली जितनी भी संख्या आती है वो होती है ब्याज। इसका मतलब ये हुआ कितने साल की बात कर रहा था 2 साल की एक तो फर्स्ट ईयर होगा एक कौन सा ईयर होगा सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ ये होता है प्रिंसिपल ये होता है अमाउंट मतलब 20 रुपए थे उसके पास 1 रुपए ब्याज का मिला तो कितना हो गया होगा 21। दूसरे साल में वही प्रक्रिया रही होगी मतलब 20 रुपए होंगे और कितने हो गए होंगे दोस्तों 21। अब जो राशि पहली वाली होती है मतलब इनका मैंने गुणा किया 400 इसका मैंने गुणा किया 441 ये होता है मूलधन। क्या होता है दोस्तों मूलधन और ब्याज जोड़ जब दी जाती है इसमें तो ये क्या बन जाता है मिश्र धन। अगर दोस्तों मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो वो होता क्या है मिश्र धन माइनस के मूलधन। मूलधन मिश्र धन कितना है 441 मूलधन कितना है 400 तो इसका मतलब ब्याज कितना निकल के आ गया 41। लेकिन हमें देखना है मिश्र धन दिया हुआ है मूलधन दिया हुआ होता तो हम क्या करते भाई हमारे हिसाब से मिश्र धन कितना आया 441 उसने कितना दिया हुआ है 4410 एक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों बताना 10 यूनिट। अब तुमसे पूछा क्या क्या है प्रिंसिपल और क्या पूछा है सीआई। अब प्रिंसिपल देखना कितना दिया हुआ है 400
एक की वैल्यू कितनी है 10, तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 4000। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 41, एक की वैल्यू कितनी है 10, तो 41 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 410। आशा करता हूं दोस्तों ये तरीका आपको बहुत बेहतर अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस टाइप से हम क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व करते जाएंगे। जैसे मान लीजिएगा, देखिएगा, तुमसे कह दिया जाए, अब तुमसे ये बोला जाए, सिर्फ अनुपात समानुपात से हमें ये पूरा टॉपिक करना है ताकि हमें और आसानी हो सके। जैसे मान लीजिएगा यही क्वेश्चन होता और तुमसे कह देता जो पी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12800, जो R दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12 ^1/2, जो T दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 वर्ष। तुमसे पूछ लिया जाए या तो अमाउंट बोल दिए जाए या पूछ लिया जाए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। आइएगा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा दोस्तों वही तरीका, भाई 12.5% को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/8। कैसे, 12 × 24 और 25/2, परसेंट का मतलब होता है 1/100, 25 से 208 बार 1/8। मतलब एक तो बात होगी फर्स्ट ईयर की, एक बात होगी सेकंड ईयर की। जो पहला वाला है वो होगा प्रिंसिपल, जो ब्याज जुड़कर आएगा वो होगा अमाउंट। देखना भैया 8 रुपए थे, 8 से कितने हो गए 9, भाई मूलधन कितना है 8, ब्याज कितनी है 1। दूसरे साल में भी क्या होगा, 8 से कितना हो जाएगा 9, कितना हो गया 64, कितना हो गया 81, भाई अंतर कितना है, अंतर देख लीजिएगा कितना हो जाएगा भैया 70। अब तुमसे जो भी दे रखा हो उसको हम आसानी से कर सकते हैं। मूलधन कितना आया तुम्हारे हिसाब से 64, उसके हिसाब से कितना दे रखा है 12800। मतलब 64 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 12800, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 200। अब जो भी पूछा गया है अमाउंट, अमाउंट कितने यूनिट है 81, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों जल्दी बोलो 200। इसका मतलब है 81 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16200। ये कितना निकल के आ गया 16200। तुमसे पूछ लिया जाए चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आया कितना है 17 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 3400 रुपए। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 3400। और वही है, अगर अमाउंट में से चक्रवृद्धि ब्याज घटाया जाएगा तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा मूलधन। सबसे पहले बेसिकली बात हमें ये समझनी है, इस दर को हमें समझना है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये सवाल आ रहे होंगे कि सर अगर ऐसे होता 3 साल का दिया होता 4 साल का होता, चलो मान लेता हूँ ऐसे भी दिया होता कि सर 1 साल 4 माह 2 साल 8 माह, चलो मैं ये भी मान लेता हूँ, क्वेश्चन ये भी पुट अप हो रहे होंगे दिमाग में कि सर ऐसा होता 2 वर्ष 73 दिन, ऐसे होता 1 वर्ष 73 दिन। तो इन क्वेश्चनों को हम आसानी से इसी वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूँ, बहुत बने रहिए लास्ट तक। देखिएगा अब स्टेप बाय स्टेप अगर हम सीखते चले जाएंगे तो हमें इन क्वेश्चनों को आसानी होगी सॉल्व करने में। अब देखिएगा इधर तुमसे मान लिया जाए, तुमसे कह रहा था यही क्वेश्चन, जैसे मान लो धन जो दे रखी है, जो मूलधन दे रखा है वो ये दे रखा था, ऐसे कह रहा था, तुमसे पूछ रहा था मूलधन दिया हुआ नहीं है और तुमसे कह रहा था जो दर दी हुई है वो दी हुई है 33 ^1/3%, जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 साल, और तुमसे जो सीआई दी हुई है वो दी हुई है 2800, और तुमसे पूछ रहा है मूलधन ज्ञात कीजिए। मुझे ये पता होना चाहिए, दर पे डिपेंड हूं मैं पूरी तरह से, मुझे ये पता है 33 ^1/3 को मैंने शुरुआत में क्या लिखाया था 1/3, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट ईयर का कितना हो जाएगा 1/3, मतलब 3 रुपए कितने हो जाएंगे 4। सेकेंड ईयर में भी कितना हो जाएगा देखना भैया, ये कितना दिया हुआ है 3 से कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखो यहां से कितना हो गया 9, यहां से कितना हो गया 16, चक्रवृद्धि ब्याज कितनी निकल के आई यहां से देखना दोस्तों 9 और 7 = 16। जो चीज दिया हुआ है उसको उसके बराबर में रख दो, देखना भैया चक्रवृद्धि ब्याज आई कितनी है 7,
दे कितना रखा है 2800 दे रखा है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाग देंगे कितना हो जाएगा 400। तुमसे पूछा क्या है, मूलधन, मूलधन है कितना 9, एक की वैल्यू 4 से है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से 9 का मल्टीपल कर दूंगा तो यहाँ से हो जाएगा 3600। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन और वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक और शेयर जरूर देते चले बीच बीच में। देखिएगा दोस्तों, मान लीजिएगा यही क्वेश्चन ऐसे होता, प्रिंसिपल कुछ और दिया होता, अब जैसे मान लो यही क्वेश्चन होता, टाइम इतना ही है, अभी मैं समझाऊं आपको कि टाइम जब 1.5 साल हो, टाइम जब 3.5 साल हो, टाइम जब 2 साल 73 दिन हो, तो हम उन क्वेश्चनों को भी कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो तुमसे कह दिया जाए ₹6400 है, दर दे रखी है 12.5%, टाइम दे रखा है इतना, और तुमसे पूछ लिया जाए CI कितना है और तुमसे पूछ लिया जाए अमाउंट कितना है, तो हम इन क्वेश्चनों को भी देखो। 12.5% का मतलब कितना हो गया 1/8, ये तो होता है प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट। 8 से कोई वस्तु कितनी होगी पहले साल में 9, दूसरे साल में क्या होगा वही 8 से कितनी हो जाएगी 9। देखना भैया ऐसे मत समझना बिल्कुल लो लेवल है, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं 80% बच्चे समझ पा रहे होंगे कि सर हमें स्पीड बढ़ा देनी चाहिए, हमें इन क्वेश्चन हमें तो ये बहुत अच्छी तरीके से आ गए हैं। लेकिन उन 20% बच्चों का भी मुझे ख्याल है जिनकी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन थोड़ी कमजोर है। देखिएगा ये लिखा हुआ है 64, ये लिखा हुआ है 81, ये क्या है मूलधन, ये क्या है मिश्र धन, इनका जो अंतर आएगा वो क्या निकल के आएगा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। क्वेश्चन कितना दे रखा था मूलधन 6400, मतलब 64 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6400, मतलब कितने गुना कर रखा है 100 गुना। तुमसे क्या पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज, एक की वैल्यू 100 है तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1700, 81 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8100। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 1700 और जो मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा ₹8100। तो मुझे आशा है कि आप इन क्वेश्चनों को आसानी से समझ पा रहे होंगे। अब देखिएगा यही टाइम बढ़ाते हुए इन क्वेश्चनों को मान लीजिएगा, अब मैं धीरे धीरे करके आपके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। और वो डाउट पहला था कि सर अगर ये 2 साल की जगह पे 3 ईयर दिया हुआ होता तो हम क्वेश्चनों को कैसे करते। इधर देखिएगा ये दिया हुआ है किसी धन का क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी धन का 16/2/3% की दर से, और ये दर है कैसी 2% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष में 3430 रुपए हो जाएंगे। और तुमसे पूछा गया है, या तो तुमसे ये पूछेगा प्रिंसिपल और या पूछेगा तुमसे कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिएगा कैसे करना है, समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, वही बात करनी है, जो दर है वो कितनी है 16/2/3%। देखना दोस्तों 16 3 48 और 2 50, 50/3 था लेकिन परसेंटेज हटाया तो 100 का कितना हो जाएगा 1/6। अब देखिए जब 1/6 हो गया, ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट, लेकिन अब बात 3 साल की है, क्या फर्क पड़ता है। देखो साहब इधर 3 साल की है, मतलब 6 से कितना हो जाएगा 7, फिर 6 से कितना हो जाएगा 7, फिर 6 से कितना हो जाएगा 7। देखना दोस्तों यहाँ गुणा किया 216, यहाँ गुणा किया 343, कितना आया 343। अब देखिएगा तुमसे ये जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, अब देखो 216 343 ये अमाउंट है और अमाउंट दे रखा है पहले से 3430, मतलब 343 की जो वैल्यू है वो 3430, तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 10। तुमसे क्या पूछा है मूलधन, मूलधन कितने यूनिट है 216 एक यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 216 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2160।
तुमसे क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज देखना अंतर करना इनका भाई अंतर जो दिया हुआ है तुमसे ये पूछा गया है और अंतर बोला गया है तुमसे कितना है देखो मैं बता देता हूँ 343 और कितना है 216 कितना अंतर दिया हुआ है तो 127 अब 127 हो गई यूनिट हमारी यहाँ से सी आई लेकिन एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 तो 127 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1270 तो देखा हमने चाहे 4 साल का हो 3 साल का हो इन क्वेश्चनों को हम आसानी से कैसे सॉल्व करते जा रहे हैं अब जैसे मान लीजिएगा कभी कभी ये क्वेश्चन और दे दिया जाता है जैसे मानो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके लिए और ये बोला भी गया है जैसे ये दिया हुआ है कि कोई धन था पता नहीं कौन सा धन था ये पूछा है जो दर दे रखी है वो दे रखी है 33 सही 1/33% जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है आपको 1 सही 1/2 ईयर और आपसे पूछ रहा है अमाउंट पूछ लेगा या आपसे पूछ लेगा सीआई अब देखो वही इंतजार जिसका हमें था वही चीज हमारे सामने अब आ गई कि सर अगर 1 साल 2 साल की जगह पे 1.5 साल होता और आने वाली है इस वीडियो में आगे कि सर अगर 2 साल 3 महीने 1 साल 4 महीने 1 साल 73 दिन अगर दिनों में बात होती महीनों में बात होती तो भी हम इसी तरीकों को यूज करते पहले हमें समझना है इस तरीके का क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों ये लिखा हुआ है 33 सही 1/3% का मतलब क्या हो गया 100/300 मतलब मैं लिख सकता हूं 1/3 बात कितने साल की कर रहा था 1.5 साल की मतलब एक तो प्रिंसिपल होगा एक अमाउंट होगा फर्स्ट ईयर की जब बात करेगा तो 3 रुपए थे वो कितने हो जाएंगे 4 मतलब ये था कि पहले वर्ष में उसको 1/3 रुपए मिल रहे थे पूरे वर्ष में समझ में आ रहा है दोस्तों कितने रुपए मिल रहे थे 1/3 लेकिन अब उसको कितने समय का चाहिए आधे वर्ष का चाहिए मतलब आधे समय के लिए चाहिए इसका मतलब उसको कितना मिल जाएगा 1/6 मतलब सेकंड ईयर के सिर्फ उसको उसमें कितना मिलेगा हाफ वर्ष में 6 से कितना मिल जाएगा 7 क्यों आया पहले वर्ष में पूरे में कंप्लीट में कितना मिल रहा था 1/3 हमें तो आधे वर्ष का चाहिए तो आधे वर्ष का चाहिए तो 1/2 करना पड़ेगा और 1/3 का 1/2 किया तो 1/6 ये मूलधन ये मिश्रधन देखा हो गया सवाल हमेशा ध्यान रखना दोस्तों अनुपात का एक नियम होता है आप ऐसे करके क्रॉस में कोई संख्या अगर कट रही हो तो आप उसको आसानी से काट सकते हैं और नहीं भी काटना चाहो तो ये लिखा हुआ है 18 ये लिखा हुआ है इतना और यहाँ से दिया हुआ है 9 दो से काट दिया और ये दिया हुआ है 14 आप यहाँ से भी कर सकते थे जैसे इसको 2 से काटते इसको 3 से आप कट कर देते तो भी 9 आता और 7 × 2 कितना आता 14 अब देखिएगा तुमसे पूछ रहा था ये दिया हुआ था तुमसे और कह रहा था जैसे मान लीजिएगा मिश्रधन का कोई वैल्यू दी हुई है आपको ए बराबर के कितना दिया हुआ है 5600 कितने रुपए 5600 अब देखना दोस्तों मूलधन कितना है 9 मिश्रधन कितना है 14 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5600 एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 400 क्या पूछ रहा था मूलधन कितना है 9 एक की वैल्यू 4 से है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया जल्दी बताइएगा 3600 रुपए ये आ गया मूलधन तुमसे अगर ये सीआई पूछ लेता तो कितना अंतर है 5 का एक की वैल्यू 400 तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाती दोस्तों 2000 रुपए तो इस प्रकार से भी हम बटे वाले क्वेश्चनों को 1.5 वर्ष 2.5 वर्ष 2.75 वर्ष ऐसे क्वेश्चनों को भी आराम से कर सकते हैं आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का जैसे मान लो तुमसे यही कह देता किसी 33% रहने देता और तुमसे कह देता ये 2.5 वर्ष कितने वर्ष कह देता दोस्तों 2.5 वर्ष कह देता और जो टाइम दिया हुआ था ये तुमसे 2.5 वर्ष तुमसे ये कह देता और तुमसे कह देता जो इसकी सीआई दी हुई है वो दी हुई है 580 रुपए और पूछ लेता इसका अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों ज्ञात कीजिए देखिएगा फिर हम कैसे करते हैं भाई हमने समझा हमने देखा और हमने आसानी से बिल्कुल इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व भी कर दिया देखो वही तरीका ये कह रहा था
इसको मैं क्या लिख सकता हूं 33 सही है करते 3% का मतलब 1/3 देखना दोस्तों ये है प्रिंसिपल ये है अमाउंट फर्स्ट ईयर की बात करेगा सेकंड ईयर की बात करेगा लेकिन थर्ड ईयर में सिर्फ वो हाफ की बात करेगा देखना दोस्तों ये कह रहा था कोई भी धन पहले 1 से 3 मतलब 3 रुपए मूलधन था 1 रुपए ब्याज जुड़ा तो मिश्र धन कितना हो गया अच्छा दूसरे ईयर में भी क्या हुआ 3 से कितना हो गया अच्छा लेकिन दोस्तों थर्ड ईयर में आते आते उसने कह दिया कि भाई इसको तो 2.5 साल का चाहिए मतलब आधे समय के लिए चाहिए आज पूरे समय के लिए कितना मिलता था 1/3 आधे समय के लिए कितना आधे का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का 1/2 तो कितना मिल जाएगा 1/6 मतलब उसके पास 6 से कितना मिल जाएगा 7 देखना दोस्तों इसको मैं इस प्रकार से भी कट कर सकता हूं आप ऐसे कट मत करना 2 से 2 बार कर दिया 2 से 3 बार मतलब इस वाली रो में ऐसा मत कर देना 3 से 6 2 बार कट गया ऐसा नहीं होता है आप अपोजिट वाले में कट कर सकते हैं देखना यहां से कितना हो गया 27 यहां से कितना हो गया 8/56 P तो निकल के आ गया 27 A निकल के आ गया तुम्हारा 56 अब तुमसे दे क्या रखा है अब देखना दोस्तों ये क्या निकल के आएगा इनका अगर डिफरेंस निकालूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा ये निकल के आएगा मेरे पास CI और CI कितना दे रखा है दोस्तों 29 अब उसके हिसाब से कितना दे रखा है 580 एक की वैल्यू कितनी आ गई 20 यूनिट आ गई कि जो पूछा है वो अब आसानी से हम निकाल सकते हैं क्या पूछा है प्रिंसिपल प्रिंसिपल है कितना 27 एक की वैल्यू 20 है तो प्रिंसिपल 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 27 दूनी कितना हो गया 54 तो कितना हो गया 540 तुमसे पूछा जाए मिश्रधन एक की वैल्यू कितना है 56 है एक की वैल्यू 20 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1120 तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों इससे अगली वाली वीडियो में मैं आपको लेकर आऊंगा कि कैसे हम जैसे मान लीजिएगा ऐसे दिया हुआ होता कि 1.5 वर्ष और 2.5 वर्ष इनके बारे में मैंने आपसे बात किया अगर मान लो यही अगर तुमसे पूछा होता कि 1 वर्ष 4 माह और ये पूछा होता कि जब छमाही हो तिमाही हो अर्धवार्षिक हो तो हम उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं तो दोस्तों इसके लिए आप मेरी अगली वीडियो को अवश्य देखें ताकि आपको चक्रवृद्धि ब्याज के जो बेसिक क्लासेज हैं बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझ में आ सके धन्यवाद दोस्तों मैं राम शर्मा मैं आपका स्वागत करता हूं